सभी का सक्सेस की 98 में, और ये पजल बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तो ऐसे पजल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, बोलेंगे कि पजल बहुत छोटा है, पहले इसको ही करते हैं, लेकिन फंस जाएंगे। तो पहले आप वीडियो पॉज करो और पहले खुद ट्राई करो, देखो ये पजल कितने देर में बनता है आप लोगों से। तो हर एक बच्चा इस पजल को ट्राई जरूर करना पहले, उसके बाद ही पजल बनाना। ठीक है, और जिन बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हिंदी में डाल दूंगा, आप एक बार हिंदी वाले भी वर्सन देख लेना। ठीक है, लेकिन पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद इस वीडियो का सॉल्यूशन आपको देखना है, और तभी जाकर रियल में आपको इसका बेनिफिट भी होने वाला है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन देख लोगे ना, तो फिर अगर अगली बार अगर आप पजल करने जाएंगे तो फिर आप इस पजल में फंस जाएंगे। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, पजल का वीडियो पॉज कर पहले ट्राई करना है, नहीं बनता है फिर देखना है वीडियो का सॉल्यूशन। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्या बोल रहा है, 8% नाम दे दिए गए, आर सीटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग टुवर्ड द स्पेलिंग गलती है TOW होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट इन सेम ऑर्डर। अच्छा, एक बात तो क्लियर है ना, 8% है, सर्कुलर है बैठे हुए, और टूवर्ड द सेंटर का मतलब होता है इनवर्ड। ये सारे बच्चों को क्लियर है। और आगे क्या बोल रहे हैं, अ फैमिली हैज 3 generation, मतलब अ फैमिली हैज 3 generation, मतलब कहने का मतलब है, एक आपके पास सर्कुलर का डाटा दिया गया है, उसमें 8% बैठे हैं और 8% फेस कहां कर रहे हैं, इनवर्ड द सेंटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, लेकिन जो पर्सन बैठे हुए हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग हो रहा है वो 3 generation का गैप है। गैप नहीं बोल सकते, मतलब 3 generation से वो ताल्लुक, मतलब रिलेशनशिप रखते हैं 3 generation से। ठीक है, तो कहने का मतलब है, और मैं बार बार बोल चुका हूं इससे पहले जितने भी मैंने पजल करवाए हैं सक्सेस की 98 पर, अगर मैं सर्कुलर वाला भी कराया हूं और रिलेशनशिप उसमें भी वेरिएबल, तो मैं बार बार क्या बोलता हूं, पहले जितना पॉसिबल हो आप रिलेशनशिप क्रिएट कर लो, उसके बाद ही आप सर्कुलर में उसको पुट करने की कोशिश करना। पहला तो ट्रिक ये है, नॉर्मल देखो मैं पहले आपको कर दिखलाता हूं, लेकिन पहले आपको खुद से ट्राई करना है। फिर क्या बोले फर्स्ट टाइम में, डी फादर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नेफ्यू, डी फादर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नेफ्यू। अच्छा, इससे कितना रिलेशनशिप बन रहा है, पहले आपको यह भी तो अनुमान लगाना पड़ेगा ना। क्या बोला है, डी फादर यानी कि डी के पापा, डी के पिताजी सीट, वो बैठे हैं सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नेफ्यू। मतलब देखो मैं यहां पर आपको बनाकर दिखला रहा हूं, सपोज कर लो ये डी है, ठीक है, ये डी है, और डी के जो फादर है, यानी कि मैं एफ बड़ा कर लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये एफ है, एफ टी, डी के जो फादर है, डी फादर यानी कि इससे हमें ये बात पता चला कि जो डी का है, ये जो फादर वो किसके है, डी के है, मतलब डी के फादर जो बैठे हैं वो कहां बैठे, सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नेफ्यू। नेफ्यू क्या होता है, भतीजा या फिर भतीजी, ठीक है ना, या फिर मेरे पापा, आपके या मेरे बात करें, मेरे पापा का भाई का बेटा, या फिर मेरे पापा की बहन की बेटी, हो सकता है ना। तो जो डी के फादर है, यानी इसके पापा के एक भाई या बहन तो है ही, वो कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है, वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन यही तो बोल रहा है, डी फादर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नेफ्यू, ये इसके पापा का भाई या बहन हो सकती है, इसका बेटा क्या होगा, नेफ्यू होगा, यानी कि जो यहां पर उतरने वाला है इसका जो भी बच्चा होगा वो नेफ्यू यानी कि भतीजा होगा, यानी कि ये क्या होगा, प्लस का साइन, यानी कि वो पर्सन मेन होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बी इज द सन ऑफ एफ हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ हर सन। देखो एक चीज आप देखो क्या बोल रहा है, बी इज द सन ऑफ एफ, चलो इस चीज को मैं आपको क्लियर करता हूं, बी इज द सन ऑफ एफ यानी कि जो बी है हमारे पास,
देख लो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ये जो बी है हमारे पास, जो बी है, बी इज द सन, ये बेटा है किसका, एफ का, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हमारा एफ है वेरिएबल, एफ का ये बी क्या है, बी इज द सन, सन सन सन, यानी कि ये जो होगा वो प्लस का साइन होगा बिकॉज इट इंडिकेटेड एज अ मेल पर्सन। तो बी बेटा है ना एफ का, एफ का बी बेटा है। चलो बी इज द सन ऑफ एफ। अब एफ हु इज सिट सिकेंड टू द राइट ऑफ हर सन, चलो इस चीज से मतलब नहीं है। अब आगे देखते हैं, बी इज द फादर ऑफ डी, बी इज द फादर ऑफ जी। देखो जो डी है, डी यानी कि फादर है, यानी कि जो डी है वो हमारा मेल है, ठीक है। डी इज द फादर ऑफ जी, मतलब डी का जो बेटा है वो कौन है, जी है ना, डी का जो बेटा है वो तो जी होगा ना। अब आगे देखते हैं, फिर क्या बोला है, टू पर्सन सीट बिटवीन जी एंड ई, लेकिन जी और ई के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं। फिर बोला डी वाइफ इज अपोजिट टू ई, यानी कि डी की वाइफ वी है। इस चीज से आपको यही पता चला ना, डी वाइफ इज अपोजिट टू ई, यानी कि जो डी की एक वाइफ वी है, लेकिन वाइफ कौन है मुझे वो पता नहीं, लेकिन एक वाइफ है, ठीक है। अब ये डब्ल्यू मत समझना, ये मैं बता रहा हूं, डब्ल्यू मतलब वाइफ, ठीक है। अब आगे देखो, ई ब्रदर बी, यानी कि ई का भाई, जो ई है, ई का भाई कौन है, बी है, यानी कि बी है। देखो ई ब्रदर बी, यानी कि जो ई का एक भाई भी है, ठीक है, वो भाई कौन है, बी है, ये तो फिक्स्ड है ना। अरे ई का भाई बी, ये तो बोल ही दिया गया। ई ब्रदर बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी सन, इमीडिएट नेबर ऑफ सी सन, ई का भाई बी है, ये तो पता है हमको मतलब। लेकिन ई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, लेकिन ये क्लियर बोल दिया गया है जो ई का भाई है बी वो मेल है, ठीक है भाई, वो तो मेल हुआ ना। ई ब्रदर बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी सन, अच्छा इसका कहने का मतलब है कि सी का भी बेटा कोई है। चलो ये सी हुआ, सी सन मतलब सी का कोई सन है, ये बात भी हमको पता है। अब बी इज द फादर, बी इज द फादर ऑफ एच, देखो बी इज द फादर ऑफ एच, यानी कि जो बी है वो एच के फादर है, ठीक है। इतना तो हमको अभी तक, इस चीज से हमको अभी तक इतना ही क्लियर हुआ है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, नो मेल इज एग्जेम्प्ट टू सी, यानी सी के अगल बगल कोई भी मेल पर्सन नहीं होंगे। एफ इज द सिस्टर ऑफ सी, 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 यानी कि जो एफ है, जो एफ है वो है क्या, सिस्टर है, यानी कि ये फीमेल है। और एफ इज द सिस्टर ऑफ सी, यानी कि जो एफ है वो सी की बहन है, ठीक है। तो जो एफ होगा वो कौन होगी, सिस्टर होगी सी की। तो लेकिन आप एक चीज देखो, यहां पर जो देखने वाली बात वो है, वो ये है कि हमारा थ्री जेनरेशन इस डाटा से बन रहा है, एक ये, एक दो, थ्री, यानी कि एक जेनरेशन, दो जेनरेशन, थ्री जेनरेशन, ये तो बन गया ना, एक दो तीन जेनरेशन। अब डाटा हमें कितना मिला, कितना वेरिएबल मिल चुका है, एक दो तीन चार पांच, लेकिन कितने आइडेंटिफाई है, मेल फीमेल दो, बी मेल, एफ फीमेल, और हमको कुछ डाटा अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन सी का एक सन है, देखो सी का एक सन है, यानी कि एक डाटा ऐसे आएगा कि जो पर्सन, जो सी का क्या होगा, सन होगा, होगा ना, सी का सन, सी का सन, यानी कि एक दो तीन चार, दो दो चार, दो छह डाटा हो गए। अब देखो हमारे पास क्या है, अब जो है डी के फादर, अच्छा डी का एक बेटा भी है और वाइफ भी है, डी का एक बेटा भी है, एक वाइफ भी है, एक फादर भी है डी का। देखो डी की वाइफ भी है, डी का बेटा भी है, डी का फादर भी है, ठीक है। अब डी हम कहां पुट कर सकते हैं, किस जगह पर, थोड़ा तो माइंड लगाना पड़ेगा आपको, अगर आपको स्मार्टली कोई सा भी पजल सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जो सी है, सी का जो बेटा है वो कौन है, डी है, यही हो सकता है ना, सी का बेटा डी है, सी का बेटा डी होगा एक जेनरेशन।
अब डी की वाइफ भी है, आपको यह भी बोल दिया गया डी की एक वाइफ भी है, ठीक है, और डी का एक बेटा है जिसका नाम क्या है जी, डी इज द फादर ऑफ, अच्छा डी का बेटा नहीं है, आपको बोला नहीं गया डी का जो बेटा है वो मेल है फीमेल है ये नहीं बोला गया है, डी का एक बच्चा है जी और डी की एक वाइफ भी है और सी। अब देखो हमारे पास एक डाटा ये है, वो देखने वाली बात ये है कि एच का हमको पता नहीं है जेंडर, ना जी का पता है, और जो डी है, डी क्या है, डी आप क्या बोलोगे, डी का डी की वाइफ है, डी की वाइफ है ये तो मेल ही हुआ ना, तो ये क्या है डी मेल। अब देखो हमारे पास डाटा कितना है, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक बच गया, एक कौन बचा ए, यानी कि जो ए है वो डी की वाइफ है, तो ये क्या होगी फीमेल, ठीक है, ये मेल ये मेल ये फीमेल ये फीमेल, तो सी क्या होगा, सी जो होने वाला है वो होगा फादर, बिकॉज आपको स्टार्टिंग लाइन में बोला गया डी फादर डी फादर डी फादर, यानी कि डी फादर डी फादर डी फादर, बिकॉज जो एफ है वो तो सिस्टर है सी की ना, तो जो सी होगा वो क्या होगा डी के फादर होंगे, तो ये प्लस होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको स्टार्टिंग लाइन में बोला गया था आपको डी फादर सिट सिकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नेफ्यू, अच्छा डी के फादर कौन है सी, और सी का नेफ्यू कौन होगा, सी का जो नेफ्यू है कौन होगा, आइदर बी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है ना, लेकिन इसका जेंडर हमें पता नहीं है, तो हमको इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, हमको इतना कुछ निकल कर पता आया है। अब सॉल्व करेंगे हम ऐसा सर्कुलर बनाकर, ठीक है, अब उसमें देखेंगे हम कहां तक पहुंचते हैं, तो पहले हमारे पास जो निकला रिलेशनशिप वो इतना है, ठीक है ना। अब कोशिश करते हैं हम बनाने का क्या पजल, देखो 8 पर्सन है, अच्छे से देखिएगा कैसे बनता है, अगर मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर दूं, थोड़ा हल्का छोटा हो गया, अगर मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर दूं तो देखिए सिर्फ आप कैसे उसको बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास डाटा इतना है, अब इस डाटा के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट, देखो स्टार्टिंग लाइन में क्या बोला गया था, डी फादर सिट सिकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नेफ्यू, डी फादर, अच्छा डी के फादर कौन है, अच्छा डी के फादर तो भैया सी है ना, बिल्कुल डी के जो फादर है वो सी है, चलो मैं सी को यहां पुट करता हूं, ले सपोज सी को यहां पुट करता हूं, और सारे के सारे पर्सन इनवर्ड फेस कर रहे हैं, यानी कि डी फादर सिट सिकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नेफ्यू, यानी सिकेंड टू द लेफ्ट कहां होगा, एक दो, और इनवर्ड है तो लेफ्ट वाला ऐसे जाएगा ना, तो ये क्या होगा, आप बोलोगे भैया ई भी हो सकता है बी भी हो सकता है, तो यहां पर लेकिन हमारा आने वाला क्या है, आइदर ई और आइदर बी, इस दोनों में से एक फिक्स होगा, क्योंकि सी का जो नेफ्यू है ये ई होगा या फिर बी होगा, ठीक है, और सिकेंड टू द लेफ्ट है डी के पापा, बोला गया डी फादर सीट सिकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज नेफ्यू, ठीक है ना। लेकिन आप लास्ट लाइन में आप एक चीज देखिए, मेंशन किया गया है सी डज नॉट सीट सिकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी डज नॉट सीट सिकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अच्छा सी सिकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी नहीं होगा, लेकिन सिकेंड टू द लेफ्ट नेफ्यू बैठा ही हुआ है, तो बी नहीं होगा तो क्या होगा हमारा 110% क्या होगा ई होगा, यानी कि ई कौन है, ई नेफ्यू है, नेफ्यू जब है तो ये क्या होगा मेल पर्सन, ठीक है। तो एक चीज देखो, ये हमारा हो गया मेल, जो सी है फादर है, तो ये हो गया हमारा मेल, ठीक है। अब हमारे पास डाटा क्या दिया गया है, अब आपके पास बोला गया है, आगे पढ़ते हैं, बी इज द सन ऑफ एफ हु इज सीट सिकेंड टू द लेफ्ट ऑफ हर सन, ठीक है, डी इज द फादर ऑफ जी एंड सिकेंड एंड 2% सीट बिटवीन जी एंड ई, ठीक है, डी वाइफ इज अपोजिट टू ई, डी वाइफ देखो एक डाटा इससे हमको मिला, डी वाइफ, डी की जो वाइफ है अपोजिट बैठी हुई है ई की, तो ई का अपोजिट क्या होगा, ये होगा, तो हमारा 100% यहां कौन होगा, ए होगा, और ये क्या है फीमेल है। चलो आगे पढ़ते, ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ई इज द ब्रदर ऑफ बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ सी सन, जो बी है ई का जो भाई है बी, वो इमीडिएट नेबर होगा किसके, सी सन का, सी का सन कौन है डी, यानी कि
बी और डी अगल बगल आने वाले हैं, ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। अब आगे देखते हैं, बी इज द फादर ऑफ एच, नो मेल इज एग्जैक्ट टू सी, कोई भी मेल पर्सन सी के अगल बगल नहीं होंगे, यानी कि सी के जो अगल बगल होने वाले वो कौन होंगे, दोनों पर्सन फीमेल होगा, ठीक है, ये दोनों कौन होंगे, फीमेल होंगे। अब क्या बोला है, सी डज नॉट सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो एक बात आप देखिए, बी डी अगल बगल आने वाला है ना, बी डी तो अगल बगल आने वाला है, तो अब आप एक चीज देखिए, जब बी और डी अगल बगल आने वाले हैं और आपको कुछ बोला गया है, और तो कुछ होगा नहीं खास, बी इज द सन ऑफ एफ हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर सन, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर सन, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर सन। अच्छा अब देखते हैं, आप एक चीज देखिए, बी इज द सन, अब हमारा बी यहां पर आएगा नहीं आएगा, यहां आएगा नहीं आएगा, यहां आएगा नहीं आएगा, यहां आएगा नहीं आएगा। अब बी हमारा कहां आ सकता है, बी हमारा कहां आ सकता है, यहां पर, क्योंकि बी डी अगल बगल है, तो बी हमारा यहां आ सका, तो डी हमारा यहां आएगा। अगर बी को मैं यहां पुट करता हूं, तो आपको एक चीज बोला गया है, आप देखो इसमें बोला गया है, डी इज द फादर ऑफ जी एंड टू पर्सन सीट बिटवीन जी एंड ई, ठीक है, फिर बोला गया है, देखो बी इज द सन ऑफ एफ, जो बी इज द सन ऑफ एफ, और एफ कोई बोल रहा है, एफ हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ हर सन, हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ हर सन, ई पर ये भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। पहले मैं बी को लेकर चलता हूं, बी को, बी को, अच्छा चलो पहले आप ई से देख लो, ई का सेकंड टू द राइट कहां होगा, ई का सेकंड टू द राइट कहां होगा, एक और दो, यानी कि एफ यहां बैठेगा। अगर एफ यहां बैठ जाता है तो बी और डी कहां बैठेगा, और बी और डी बगल बगल है, तो बी डी के लिए दो जगह खाली रह नहीं गए, तो जो एफ है वो जो अपने बच्चे के बगल में बैठा सेकेंड टू द राइट वो कौन होगा, बी होगा। अब बी हम यहां पुट करते हैं तो डी हमारा यहां बैठेगा, बैठेगा ना जी, अगर बी को यहां पुट करते हैं तो सेकेंड टू द राइट कौन होगा, सेकेंड टू द राइट इसके पापा है, तो कहां होगा सेकेंड टू द राइट, वन टू, तो एफ यहां होगा, ठीक है, अब एफ यहां होगा। लेकिन आप एक चीज देखो, टू पर्सन सीट बिटवीन जी एंड ई, देखो टू पर्सन सीट बिटवीन जी एंड ई, और जी और ई के बीच में दो पर्सन है, तो अब मेरा जी यहां बैठेगा या फिर यहां बैठेगा, लेकिन यहां पर एफ है, यहां पर बी है, तो बी यहां पर नहीं बैठेगा, क्योंकि जी ई तो बैठेंगे बैठेंगे ना। चलो यहां हटाते हैं, बी को यहां पुट करते हैं, अगर बी को यहां पुट करते हैं तो सेकेंड टू द राइट कहां होगा, एक दो, लेकिन यहां पर ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, ए, तो यहां होगा नहीं, तो बी के लिए एक ही जगह बच रहा है, देखो कौन सा, बी के लिए एक ही जगह है ये, तो डी कहां बैठेगा, ये, अगर बी यहां बैठ गया तो सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट कहां होगा, एक दो, तो यहां कौन बैठेगा, यहां जो पर्सन बैठने वाला है वो कौन है, एफ है, ठीक है, बी कौन है, एफ। अब जो एफ है क्या होगा, फीमेल, ठीक है। अब देखो एक दो तीन चार पांच छह, छह पर्सन बैठ गए और जी और ई के बीच में दो पर्सन का गैप है, तो एक दो जो जी कहां बैठेगा, यहां पर, तो जी क्या होगा, फीमेल, और एक पर्सन बच गया, और कौन बच गया, वो पर्सन बच गया एच, तो एच क्या होगा, फीमेल, और डी पता है हमको ये मेल है, और बी पता है ये भी मेल है, तो देखो ये पजल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अच्छे से देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इंग्लिश रीजनिंग मैथ सारे टॉपिक लेकर आता रहता हूं आप लोगों के लिए। सो आज के लिए आप सभी को एक थैंक यू।